दोस्तों फाइनली हर हफ्ते इतना इंतजार करने के बाद क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 के सारे ही एपिसोड आ चुके हैं। इसका फिनाले एपिसोड कल रिलीज कर दिया गया था और अब ये सीरीज पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। तो आज मैं रिव्यू करूंगा क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 का और जानेंगे कि इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मेन टॉपिक पर। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 में हमें स्टोरी देखने को मिलती है मुकुल की, जो ज़ारा आहूजा का सौतेला भाई है। ज़ारा आहूजा एक टॉप लेवल की चाइल्ड आर्टिस्ट है जो टीवी सीरियल्स में काम करती है। ज़ारा का किसी ने मर्डर कर दिया है। ज़ारा के मर्डर का पूरा इंजाम जाता है मुकुल पे। तो मुकुल यहाँ अब एक क्रिमिनल बन चुका है जिसे जस्टिस दिलाने का काम करते हैं हमारे माधव मिश्रा जी। अब क्या सही में मुकुल ने ही ज़ारा का मर्डर किया है या फिर उसके पीछे कोई और है, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 में हम एक एडल्ट लड़की की स्टोरी दिखाई गई थी, सीजन 2 में एक लड़की की स्टोरी दिखाई गई थी और सीजन 3 में एक माइनर लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है, जो शो में एक नयापन लेके आता है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्संस की हमें जेल की जिंदगी और उन्हें जस्टिस दिलाने में उनके लॉयर्स की मेहनत, कोर्ट रूम ड्रामा, कॉमेडी, ये सब देखने को मिलता है और यही इस शो की खास बात भी है। अब बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो दोस्तों हमेशा की ही तरह पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही सुपर्ब काम किया है। और इस बार पंकज त्रिपाठी जी को टक्कर देती है श्वेता बासु प्रसाद, जो एक लॉयर के कैरेक्टर को प्ले कर रही है। सीजन 3 में एक न्यू कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो इस सीरीज में माधव मिश्रा का साला है और असिस्टेंट भी है जो माधव मिश्रा के साथ काम कर रहा है। इस एक्टर का नाम है आत्म प्रकाश मिश्रा और इन्होंने भी इस सीरीज में डिसेंट काम किया है। बस यहाँ जो एक्टर मुकुल के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उनकी एक्टिंग मुझे ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगी, जैसे हमें सीजन 1 में विक्रांत मैसी सर की लगी थी। अब बात करें इस सीरीज के दो नेगेटिव पॉइंट्स की तो पहला नेगेटिव पॉइंट है इसकी एंडिंग, क्योंकि एंडिंग में सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा दिया है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है गाली। वैसे इस सीरीज में इतनी ज्यादा गालियां नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसकी वजह से आपको इस सीरीज को फैमिली के साथ अवॉइड करना पड़ेगा, बस इसलिए मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। बट ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 बहुत ही बढ़िया सीरीज है, आपको इसे जरूर से जरूर देखना चाहिए। और पर्सनली मुझे ये सीरीज इसके सीजन 2 से ज्यादा अच्छी लगी और मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 8 out of 10। तो वेल अगर ये रिव्यू आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।